यहां पर देख सकते हैं पाइथन पर आधारित एक क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। क्लास ट्वेल्थ के एग्जाम की बात करें तो हर बार ही ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आप मुझे बता सकते हैं? ये जो है फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर है। अब दो बार अपॉन अपॉन लगा हुआ है तो इसका मतलब है ये फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर है, और फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर का काम ये होता है कि वो रिजल्ट हमेशा इंटीजर में प्रिंट करेगा, पॉइंट में जा ही नहीं सकता, तो रिजल्ट हमेशा क्या करेगा, इंटीजर में प्रिंट करेगा। और ये क्या है, ये पावर लगाया गया है 2 पे पावर 3। तो सबसे पहले 2 पे पावर 3 को हम सॉल्व करते हैं, तो अगर 2 पे पावर 3 की बात करें तो 8 आएगा। और क्या 5 में 8 से डिवाइड हो सकता है? नहीं हो सकता है। अगर होगा तो क्या होगा, फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर पड़ा हुआ है यहाँ पे, अगर डिवाइड होता तो पॉइंट में रिजल्ट आ जाता, सिर्फ एक बार डिवाइड लिखा होता तो पॉइंट में रिजल्ट आ जाता, लेकिन यहाँ पर तो फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर है, तो फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर क्या करेगा, फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर जब भी रिजल्ट देगा तो वो इंटीजर में देगा, तो इंटीजर में आएगा, तो इसका मतलब यहाँ पर रिजल्ट क्या प्रिंट होगा, 0 प्रिंट होगा। ठीक है, मैं एक बार करके भी दिखा देता हूँ आपको, देखिए यहाँ पे 0 प्रिंट हो रहा है। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन, यहाँ पे 5 डिवाइडेड बाई यहाँ पे कर देता हूँ लाइक 3। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा, 3 हो गया और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई दो बार मल्टीप्लाई बाई 5 कर दिया गया। ठीक है, या यहाँ पर क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई बाई 2 कर देता हूँ। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में रिजल्ट क्या आएगा, तो मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे ना, तो ये देखिए एक, एक एक तो मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ पर 5 में अगर 3 से डिवाइड किया जाता है तो एक बार जाएगा और यहाँ पर रिजल्ट 2 आना चाहिए। तो एंटर करते हैं तो क्या आ रहा है, देखिए 2 आ रहा है। यहाँ पे हुआ क्या, पहले 3 से 5 में भाग दिया गया। ठीक है, रिमाइंडर आपको चाहिए नहीं, ठीक है रिमाइंडर नहीं चाहिए, क्योंकि ये केवल जो है भाग कितनी बार भाग जाए ये डिसाइड करना किसका काम है, ये फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर का काम है, और ये रिजल्ट इंटीजर में ही आना चाहिए ये भी डिसाइड करना इसी का काम है। तो रिजल्ट तो यहाँ 1 आ जाएगा, 1 into 2 क्या होगा, 2 ही होगा, जाहिर सी बात है।